चाहिए। आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर डिस्पैच, मैं हूँ आपके साथ तर। नाज़रीन, वादी कश्मीर में रोशनियों का त्यौहार बड़े अकीदत व एहतराम के साथ हर साल मनाया जाता है, और इस साल की बात करें तो इस साल भी बाजारों में इस रोशनी के त्यौहार यानी दिवाली के लिए जो तैयारियां की जा रही है वो उसके लिए बाजारों में काफ़ी गहमागहमी देखने को मिलती है। साथ में अगर बात की जाए यहाँ के लोकल्स की, तो यहाँ के लोकल्स के मुताबिक जो है कई एक दहाई से यहाँ के लोग चाहे रंगों का त्यौहार हो, चाहे ईद हो, या चाहे फिर ये रोशनियों का त्यौहार हो, एक साथ एकजुट होकर मनाते हैं। इस हवाले से जहाँ लोगों से बात की हमने, आइए देखें उनका। मुसलमान और हिंदू एक साथ मनाते हैं ये त्यौहार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इससे। तो जैसे हम ईद मनाते हैं हिंदू के साथ मिल के, हमारे कश्मीर में हम ज़्यादा, मैं गाँवों का हूँ, उधर तो हम सब हिंदू और मुसलमान एक कहते होते हैं, खेलते हैं सब, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसके साथ। तो कब से जो रिवायती बरादरी है ये तो बहुत पुरानी सर, यहाँ तो कश्मीर तो आपको पता है, ये कश्मीरी आप लोगों को पता है कि ये बरादरी के लिहाज से एक नंबर पर है जी। हम तो चाहे अगर कोई मरता भी है हमारे गाँव में हिंदू या मुसलमान, सब आते हैं इकट्ठे उनको उठाने के लिए जी। तो ये रिवायती बरादरी क्या हमारे यहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट करती है? इंशाल्लाह और हम एग्जिस्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।